हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पितृ पक्ष में भूल कर भी ना करिए ये काम, वरना हो सकती है बहुत परेशानी। जी हाँ दोस्तों, पितृ पक्ष 24 सितंबर से चालू हो चुका है और 15 दिन तक चलता है, यानी 8 अक्टूबर तक। ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में खानदान के पूर्वज 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं और अपने घर वालों के साथ रहते हैं, और हमें इस बीच ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे इनको दुख पहुँचे, वरना आने वाले समय में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसा कौन सा काम है जो आपको पितृ पक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। आपको अपने बाल में तेल नहीं लगाना चाहिए और साथ ही दूसरों के घर खान पान भी बंद कर देना चाहिए। अगर पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो इसे बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इसके साथ ही आप कभी पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का प्रयोग न करें। पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया सामान या कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक शोक व्यक्त करने का समय है। हमारे घर के पूर्वज इस समय किसी भी रूप में आ सकते हैं श्राद्ध मांगने, तो आप किसी भी व्यक्ति जानवर को अनादर ना करें और जो आपके पास उस समय होता है वह दे दिया करें। इस 15 दिन में आपके घर में जो खाना बनता है वह खाने की एक पत्तल में लेकर रोज़ किसी जानवर को खिला दें। आपको अपनी दाढ़ी या फिर बाल पितृ पक्ष के दौरान नहीं कटवाना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारियां लेने के लिए देखते रहें हमारा रोचक फैक्ट्स चैनल। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।